तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि मेरा यात्रा हो चुका है कंप्लीट और हम आ चुके हैं घर। आज डेट है 21 जून और मेरा यात्रा शुरू हुआ था 12 जून भुवनेश्वर स्टेशन से। तो भुवनेश्वर से हमको जाना था सीधा दिल्ली, तो दिल्ली के लिए ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिला, तो वहाँ सीधा हम भुवनेश्वर से रायपुर होते हुए नागपुर पहुँचे और फिर नागपुर से ट्रेन लेकर सीधा दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन लेकर सीधा अमृतसर। तो आपको ये वीडियो में ज़्यादा ट्रेन का नहीं दिखेगा वीडियो, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं थे हम, तो आपको सीधा हम थोड़ा मोड़ा क्लिप दिखाते हैं जो क्लिप हम शूट किए और सीधा आप लोग से मिलते हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो देखिए। स्वागत एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल अभी हम हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मेरी ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है। पूरी गांधीधाम एक्सप्रेस को यहाँ से बस चल रहे हैं भुवनेश्वर से सीधा रायपुर, कल उतर जाएंगे हम रायपुर। वैसे तो हमको जाना है अभी यहाँ से भुवनेश्वर से दिल्ली, लेकिन मेरा ट्रेन का टिकट बस रायपुर तक रिजर्वेशन है, बस ट्रेन आती है ट्रेन बोर्ड करते हैं फिर आपसे बातचीत। ट्रेन आ चुकी है पूरी गांधीधाम एक्सप्रेस 12994, ये थोड़ी सी ट्रेन आई है। मेरा कोच है S8 ये खड़ी है मेरी ट्रेन और हम पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन। तो ऐसा कुछ नज़ारा है नागपुर स्टेशन के बाहर का। पहुंच चुके हैं पंजाब अमृतसर में। तो अभी फ़िलहाल हम अमृतसर में, तो हम तो पूरा घूम चुके हैं अमृतसर में, जहाँ जहाँ घूमने का था पूरा गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर। तो इस वीडियो आप लोग देखिएगा कि हम रात में वैसे 12 बजे पहुँचे थे अमृतसर, इसलिए उस समय हम नहीं शूट कर पाए स्टार्टिंग का इंट्रो, तो अभी कर रहे हैं। तो आप देखिए गोल्डन टेम्पल का नज़ारा, फिर जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर। तो वीडियो आप देखिए बस, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए वीडियो। तो भाई आप देख सकते हैं सभी लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। गोल्डन टेम्पल हम पहुंच चुके हैं पंजाब में। पीछे यात्री निवास है श्री गुरु रामदास जी निवास, वहीं पर रात में स्टे किए थे। रात में आने के साथ हम जाके सो गए थे। फिलहाल जाके लगेज रूम में बैग और चप्पल रख दिए हैं और अंदर चलते हैं और घूमते हैं गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा भी घूमते हैं, फिर आपको अगर हो सका दिखाएंगे। फिलहाल बारिश भी हो रहा है, अंदर चलते हैं फिर आपको उससे बातचीत करते हैं। भाई अब पूरे फॉर्म में आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, तो अब चलते हैं अंदर। काफ़ी लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है जाने का। अंदर सारी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आप उन्हें कम दिखा सकेंगे। हम चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। ये रास्ता जाने का सीधा। आप देख सकते हैं पीछे रहा मेरे पीछे गोल्डन टेम्पल, काफ़ी प्यारा लग रहा है दिखने में, काफ़ी शानदार भी है, बहुत ही खूबसूरत है। आज तक कभी सिर्फ किताबों में देखे थे, पढ़े थे बचपन से, आज सामने आकर देख रहे हैं काफ़ी खुशी लग रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है, सभी लोग अभी बूंदाबांदी चल रहा है, बारिश हो ही रहा है, इधर कुंड है, इधर ये स्नान करने का भी है। तो बस सामने वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी जा करके दर्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ तो वीडियो पक्का ही अलाउड नहीं है, यहाँ तो कहा भी सक रहे हैं कम से कम। फिलहाल दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बैठे हुए हैं बिल्कुल मंदिर के सामने, गोल्डन टेम्पल के ऊपर ही बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं पीछे मेरे पीछे रहा गोल्डन टेम्पल, ये पूरा काफ़ी सही से हो गया दर्शन। यहाँ ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। बस अभी गोल्डन टेम्पल के बाहर निकल चुके हैं, अपना बैग ले लिए, तो बस अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग, यहाँ पर हुआ था इंसिडेंट, तो आपको वो भी जगह दिखाते हैं जहाँ पे गोलीबारी सब हुआ था। फिर चलेंगे किसी और लोकेशन में, वहाँ भी दिखाएंगे।
तो जब कभी भी आप आते हैं गोल्डन टेंपल घूमने के लिए अमृतसर में, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये रहा श्री गुरु रामदास जी निवास, यहाँ पे आप आके रूम ले सकते हैं। और इधर से सामने रहा गोल्डन टेंपल अंदर में, ये एंट्री गेट मेन जलियांवाला बाग। अंदर जाने के लिए अंदर चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं अंदर चलकर पूरा। तो ये पूरा एरिया जलियांवाला बाग का, तो ये पूरा यहाँ पे गार्डन बना हुआ है। यहीं पे हुआ था मार्शल लॉ लगाया गया था, यहीं पे गोलीबारी हुआ था। जलियांवाला बाग यही पूरा बाग है। और यहाँ पे अलग अलग गैलरी भी बनी हुई है, अंदर पूरा हिस्ट्री बताया जाता है प्रोजेक्टर में, कैसे कैसे उस दिन क्या क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन, बस यही है पूरा। आपको दिखाते हैं हम गोली का मार्क कहाँ पे, वहाँ पे बना हुआ है गोली का मार्क, जहाँ पे शूट किए थे उस समय, उसको मार्क करके रखा गया अच्छे से। रहा कुआं जिसमें कूद करके इंसान लोग अपना जान दे दिए थे, इसे पूरा पैक कर दिया गया शीशे से। पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा कुआं का इलाका है, पूरा शीशा से पैक कर दिया गया है। इसी के अंदर सभी लोग अपना जान दे दिए थे कूद कर। भाई काफ़ी सही है, फुल हिस्टोरिकल है। पीछे आप देख सकते हैं वो रहा पूरा मार्क किया हुआ, गोली का मार्क है वो सब। और इधर दिखाते हैं आप लोगों को घूम करके हम। भाई अभी तो ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन 104 साल पहले यहाँ पे जो घटना हुआ था वो घटना भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी खौफनाक और दर्दनाक रहा होगा आज से 104 साल पहले। फिलहाल तो इधर मौसम ख़राब होने के कारण पेड़ वेड़ टूट के नीचे गिर चुका है। बस यही था पूरा यहाँ पे दिखाने के लिए, और कुछ था नहीं। गैलरी में अंदर घुसकर आपको भी यहाँ पे आते हैं तो वो देख लीजिए, गैलरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हिस्ट्री का दिखाया जाता है। अब यहाँ से निकलकर चलते हैं वाघा बॉर्डर, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर वाघा बॉर्डर है, 25-30 किलोमीटर दूरी पर। तो यहाँ से देखते हैं लेकर के शेयरिंग टैक्सी या फिर बस, फिर चलते हैं। आपको दिखाते हैं वाघा बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो चलिए मेरे साथ वाघा बॉर्डर। ये पे पीछे बना हुआ है लोगो जलियांवाला बाग के लिए। तो भाई जलियांवाला बाग देखे तो बाहर निकल गए, पीछे आप देख सकते हैं वो भी बना हुआ है स्मारक जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए। तो यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है वाघा बॉर्डर, तो वहाँ के लिए शेयरिंग टैक्सी चलती है। 150 रुपये में हो गया है मेरा, हम बुक कर लिए 150 रुपये में आना जाना दोनों। वहाँ पे परेड पूरा दिखा कर वो वापस ले आएंगे 7:30 बजे तक में, शाम में। तो बस अब चलते हैं, 1 घंटे बाद वो तो खुलेगी मेरी, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, हम भी देखते हैं। यहाँ से लाहौर है 22 किलोमीटर। स्टेडियम खाली हो चुका है फिलहाल, हम भी निकलते हैं बाहर।